काफी मैचेस खिलाने जाने हैं, बाकी ज्यादा चर्चा ना करिए, जल्द से जल्द फील्डिंग लगाए। टीम के कैप्टन से गुजारिश है। माला 97 का अतिरिक्त खिलाड़ी यहां पर भेजे, 12वां खिलाड़ी नाम अनाउंसमेंट करने के लिए, कृपया जल्दी करके। मालाड चषक एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट यहाँ पर इस गोविंद नगर की क्रीड़ा नगरी के अंदर आप देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर एचआर स्पोर्ट्स द्वारा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़िया बढ़िया क्रिकेट मैच को देखने के लिए यहाँ पर एचआर स्पोर्ट्स द्वारा लगातार बड़े बड़े टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। मालाड चषक में आए हुए सभी खिलाड़ियों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, तथा जो लोग इस क्रिकेट मैच को YouTube पर लाइव देख रहे हैं एचआर स्पोर्ट्स द्वारा, उन सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत। एक नहीं दो नहीं बल्कि यहां पर तीन तीन ट्रॉफियां रखी गई, यहां पर विजेता उप विजेता और तीसरे क्रमांक की टीम को लिए, इसके साथ साथ बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर मैन ऑफ द सीरीज तथा प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के अंदर 33,333 रुपये की यह बड़ी इनामी राशि की यह भव्य दिव्य क्रिकेट प्रतियोगिता जो गोविंद नगर क्रीड़ा नगरी के अंदर खिलाया जा रहा है, कुल 24 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। डे वन के बाद आप डे टू में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर माड़ा इंटर के बीच यह मुकाबला खेला जा रहा है, सभी 12 टीमों के बीच में यह दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, मालाड 97 और डेंजर बॉयज के बीच में। बात की जाए तो मालाड 97 की टीम ने यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मालाड 97 के कप्तान से गुजारिश है अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के बाद भेज दे। बात किया तो अपने डेंजर बॉयज के लिए अपना पहला ओवर लेकर आए हैं कुमरेशन, जो
कुमरेश, सामना करेंगे बल्लेबाज माइकल, उनका साथ देने आए क्रीज पर नितेश। नितेश और माइकल की जोड़ी इस समय मॉडल 97 के लिए, और ये पहला ओवर लेकर तैयार। पहली गेंद और एक दिशाहीन के साथ यहाँ पर अतिरिक्त के रूप में यहाँ पर टीम का स्कोर 1 रन। पारी की शुरुआत होते हुए यहाँ पर अतिरिक्त रन के, फिर से एक बार बल्लेबाज तैयार और लगातार यहाँ पर 2 गेंद यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में आ चुके हैं। बिना किसी नुकसान के, बिना किसी गेंद के यहाँ पर टीम का स्कोर 2 रन तक पहुंच चुका है। सामना कर रहे बल्लेबाज माइकल, तो गेंदबाजी छोर पर कुमरेशन, फुल टॉस बॉल और एम्पायर का इशारा नो बॉल का। जी हाँ, गेंद ग्राउंड के अंदर, 1 रन पूरा कर लिया गया, दूसरा रन लेंगे। जी नहीं, मात्र 1 रन से संतुष्ट। इसी के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 4 रनों पर। बिना किसी गेंद के यहां पर टीम का स्कोर 4 रन, काफी खराब शुरुआत। अगर बात की जाए तो यहां पर गेंदबाजी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीएम बॉयस मलन 97 और डेंजर बॉयस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। अब आए स्ट्राइक पर नितेश, नितेश पाटकर आले फलंदाजीला, स्ट्राइक घेणार आहेत। एक काही लीगल डिलिव्हरी नाही टाकली अजूनपर्यंत आणि धावसंख्या झाली ती 4। चला लवकरात लवकर यायचं फटाफट, आपल्याला अगोदरच वेळ झालाय, आपण 15 मिनिटं या मॅच मध्ये मागे आहोत। पुन्हा एकदा पुरता चेंडू, ऑफ साईडने मारला फटका, पॉइंट दिशेने एक धाव। जी हाँ, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए यहाँ पर 5 रन, 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के, दोनों बिना किसी नुकसान के टीम का स्कोर। माइकल और नीतीश की जोड़ी समय क्रीज पर मौजूद। 4 ओवर का यह मुकाबला खेला जा रहा है, खेला जाएगा। चारों फ्रेश गेंदबाज होंगे। अगली गेंद उमरेश की माइकल को, शॉर्ट पटकी हुई गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पर बैट्समैन पूरी तरह से बीट होते हुए सीधे कीपर के हाथ में, डॉट गेंद। जी हाँ, बात की जाए तो यहाँ पर बढ़िया वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए यहाँ पर काफ़ी अतिरिक्त में के रूप में यहाँ पर रन दिए एक्स्ट्रा के रूप में, मगर उसके बाद एक बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए यहाँ पर मॉडल 97 की टीम ने यहाँ पर टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज, हल्के हाथों से कट किया है, 1 रन आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। जी हाँ, दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में यहाँ पर 6 रनों की भागीदारी हो चुकी है। बात की जाए तो यहाँ पर मालाड चषक 2024, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे मगर कोई सफलता प्राप्त नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। यहाँ पर बात की जाए तो बढ़िया वापसी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। हवे में बढ़िया शॉट यहां पर और इसी बीच पहला छक्का, सिक्सर, बढ़िया शॉट यहां पर नीतीश का, इस मैच का पहला सिक्स नीतीश के बल्ले से। बढ़िया गेंदबाजी यहां हो रही थी, इसी बीच छक्का मारकर इस मैच में एक बड़ा स्कोर के लिए। जी हाँ, आगे कुछ किया है। जी हाँ, बात की जाए तो जिस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता थी उसी प्रकार की शुरुआत दिलाते हुए टीम को नितेश पहला छक्का मारा है इस इनिंग का अपनी टीम के लिए और अपने बल्ले से भी। माइकल और नितेश की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद। प्रेवला ओवर प्रगति पर, कुमरेशन के हाथों में गेंद और सामना करेंगे बल्लेबाज नितेश। और ये बढ़िया गेंद यहाँ पर, पटकी हुई गेंद थी, काफी उछालती गेंद थी और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 12 रन। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच यहां पर 12 रनों की भागीदारी हो चुकी है। तो देखना है दूसरा ओवर डेंजर बॉयज की ओर से कौन लेकर आते हैं।
जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। दूसरा ओवर लेकर आए टीम के कप्तान, टीम के कर्ता धर्ता शिवा भाई। एक कप्तानी भरी गेंदबाजी की आवश्यकता है अपनी टीम के लिए। यहां पर पहला ओवर 12 रन आ चुके हैं, तो देखना है अपनी टीम के लिए क्या कारनामा करते हैं। वाइट के रूप में यहां पर रन आते हुए अपनी टीम के लिए यहां पर मला 97 लगातार वाइट के रूप में यहां पर रन आते हुए पहले ओवर में भी, अब इस प्रकार दूसरे ओवर में भी, और काफी बढ़िया गेंद यहां पर ब्लॉक होल में डाला हुआ है। गेंद डॉट बॉल, कोई रन नहीं यहां पर। टीम के कैप्टन, टीम के कर्ता धर्ता शिवा भाई, माइकल और नितेश की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद। 13 रन हो चुके हैं। लेग साइड में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, रनआउट का मौका बन सकता है, देखना होगा। जी हाँ, पहला झटका लगता है यहाँ पर माला 97 को। माइकल के रूप में यहाँ पर पहला विकेट खोया है रनआउट के रूप में यहाँ पर शिवा भाई ने। यहाँ पर कप्तानी भरी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए, बल्लेबाज को बांध के रखा, कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करने नहीं दिया, और इसी के बीच रनआउट के रूप में यहाँ पर विकेट मिलते हुए अब आए अगले बल्लेबाज माला 97 के लिए जाफर। माडाल 97 और डेंजर बीज बॉयज के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। बात की जाए तो मालाड की टीम ने यहाँ पर टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और काफी हद तक सही साबित होते उनके लिए यह निर्णय। बात की जाए तो और काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर शिवा भाई, टीम के कैप्टन, कप्तानी भरी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। पहला ओवर महंगा जरूर साबित हुआ था, मगर दूसरे ओवर में यहां पर बढ़िया वापसी की अपनी टीम के लिए। 13 रन हो चुके हैं। हवे में खेला हुआ शॉट, देखना है क्या होगा। एक रन पूरा कर लिया है क्या, दूसरा रन भी लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, मगर सुरक्षित। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए 15 रनों पर। जाफर और नितेश की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद। स्ट्राइक पर है जाफर, जो सामना करेंगे गेंदबाज शिवा का। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, जितनी भी सराहना की जाए कम। दोनों ही यहां पर बात के जाए तो बल्लेबाज को यहां पर पूरी तरीके से बांध के रखा है, और विकेट के पीछे खेला हुआ शॉट, एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं क्या, दूसरा लेंगे। जी नहीं, मात्र एक रन से संतुष्ट, दोनों ही खिलाड़ी सुरक्षित। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए 16 रनों पर। एक विकेट के नुकसान पर 16 रन हो चुके हैं। रनआउट के रूप में एकमात्र विकेट को आया हुआ है माइकल का। स्लो गेंद, हवे में खेला हुआ शॉट, फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी है। एक रन पूरा कर लिया है क्या, दूसरा रन लेंगे। जी नहीं, जी हाँ, अगर मैच को जीतना है तो हाफ चांस को भी फुल चांस में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप विकेट प्राप्त कर सकते हैं। बढ़िया, 17 रन हो चुके हैं इसी के साथ यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर भले ही महंगा साबित हुआ था, मगर उसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए थे शिवा, टीम के कैप्टन, टीम के कर्ता धर्ता। क्या कप्तानी भरी गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए, और टीम को विकेट भी प्राप्त करके दिया और बल्लेबाज को भी बांध के रखा। अब आए तीसरा ओवर लेकर डेंजर बॉयज की ओर से रोशन, देखना है कितना अपना नाम रोशन करते हैं अपनी गेंद से।
जाफर और नितेश की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद, सामना करेंगे जाफर गेंदबाज रोशन का। एम्पायर का इशारा व्हाइट का। जी अगर बात की जाए तो तीन ओवर डाले गए हैं, तीसरा ओवर यह प्रगति पर है और तीनों ही गेंदबाज ने अपनी शुरुआत व्हाइट के रूप में की थी। पहले आए कुमार सन, दूसरा शिवा और तीसरा रोशन, उन्होंने भी शुरुआत व्हाइट से की थी, मगर बढ़िया वापसी कर सकते हैं इसके बाद भी। पटकी हुई गेंद, गेंद जाती हुई यहां पर डिक्लेयर जोन में एक रनों के लिए। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए 19 रनों पर, दो ओवर एक गेंद 19 रन। जाफर और नितेश की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद, सामना कर रहे हैं बल्लेबाज जाफर, मालाड 97 और डेंजर बॉयज के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। मालाड 97 की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बात किया तो रनों को दृष्टिकोण से 19 रन हो चुके हैं, बढ़िया शुरुआत और ये काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर डॉट बॉल। बल्लेबाज कुछ अतिरिक्त कर पाते, रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास किया था मगर गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बात की जाए रोशन की तो क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, पहला व्हाइट डाला था मगर उसके बाद बढ़िया वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट यहाँ पर फॉलो थ्रू में यहाँ पर गेंद ने और यहाँ पर रनआउट कर दिया यहाँ पर जाफर को, यहाँ पर रनआउट के रूप में जाफर को यहाँ पर चलता किया है पेविलियन की ओर। दूसरा झटका लगते हुए यहाँ पर माला 97 की टीम को। यहाँ पर अब आए अगले बल्लेबाज मालाड की ओर से पवन। बात की जाए तो एचआर स्पोर्ट्स द्वारा इस चैनल को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है यहाँ पर, क्या बढ़िया यहाँ पर क्वालिटी क्लियरनेस यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पर अपने स्क्रीन पर। मालाड चषक 2024 तीन गेंद हो चुकी है बात की जाए तो इस समय और टीम का स्कोर दो ओवर तीन गेंद 19 रन दो विकेट के नुकसान पर। बात की जाए तो दोनों ही विकेट रनआउट के रूप में टीम ने खोया है यहाँ पर, पहला माइकल तो दूसरा जाफर। अब आए बल्लेबाज पवन, हवे में खेला हुआ शॉट, देखना है क्या होगा, फील्डर यहां पर गेंद के नीचे और बल्लेबाज यहां पर आउट हो चुके हैं, बल्लेबाज का हुआ है पतन, अब करना पड़ेगा थोड़ा सा उन्हें जतन। और एक बढ़िया टारगेट सेट करना है तो गेंदबाजी छोर पर है रोशन। बात की जाए तो इससे पहले गेंदबाजी की थी यहां पर शिवा ने और क्या बढ़िया कप्तानी भरी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए। और काफी बढ़िया गेंद यहां पर बात की जाए तो अपील किया जा रहा है मगर हमारे निष्पक्ष एम्पायर जो भी डिसीजन फेयर होगा आपको बताएंगे। बात किया तो पहला ओवर में 12 रन जरूर रहते हैं मगर उसके बाद बढ़िया वापसी करते हुए गेंदबाजी के रूप में यहाँ पर और ये पटकी हुई गेंद, एम्पायर का इशारा व्हाइट।
काफी बढ़िया गेंद और यहाँ पर अपील, और जी हाँ एम्पायर ने यहाँ पर आउट करा दिया है। पहला झटका लगते हुए यहाँ पर गोविंदा के रूप में, 27 रनों का लक्ष्य है, बढ़िया गेंदबाजी की जरूरत, और वही गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर सागर अपनी टीम के लिए यहाँ पर मालाल 97 डेंजर बॉयज की टीम को पहला झटका लगा है यहाँ पर गोविंदा के रूप में। अब आए अगले बल्लेबाज टीम के कर्ता धर्ता टीम के कैप्टन शिवा भाई, गेंदबाजी में बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद अब देखना है बल्लेबाजी में क्या करिश्मा करते हैं अपनी टीम के लिए। एक कप्तानी भरी पारी की उम्मीद उनकी टीम को उनसे। जी हाँ पहला ओवर यहाँ पर सागर, बढ़िया वापसी, बढ़िया गेंदबाजी करते अपनी टीम के लिए, और फुल टॉस बॉल लेग साइड में खेल दिया। यहाँ पर देखना है क्या होगा, एक रन के लिए दौड़ पड़े क्या दूसरा लेंगे। जी हाँ दूसरे के लिए भी दौड़ पड़े यहाँ पर। जी हाँ बड़ी आसानी से यहाँ पर दो रन प्राप्त कर लिया अपनी टीम के लिए। इस दो रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए 3 रनों पर। तीन बॉल 3 रन 1 विकेट, एकमात्र विकेट खोया हुआ गोविंदा का। लेग साइड में खेलने का प्रयास कर रहे थे, कोई सफलता पाप नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। मालाड चषक एक भव्य दिव्य क्रिकेट प्रतियोगिता इस गोविंद नगर की क्रीड़ा नगरी के अंदर आप देख सकते हैं। हवे में खेला हुआ शॉट, देखना है क्या होगा। जी हाँ 4 रन, एक बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए टीम के कैप्टन टीम के कर्ता धर्ता शिवा भाई। फिर से हवे में खेला हुआ शॉट, गेंद काफी दूर, फील्डर से एक रन ले लिया है, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं, रनआउट का मौका बन सकता है यहाँ पर, मगर आसानी से यहाँ पर 2 रन कंप्लीट। तीसरे के लिए दौड़ पड़े हैं मगर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते अपनी टीम के लिए। इस 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 9 रनों पर। एकमात्र जो विकेट खोया है वह गोविंदा के रूप में, शिवा और अरुण राज की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद। टीम के कैप्टन शिवा जिन्होंने अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन चौका मारा था इस ओवर में। जी हाँ जल्द से जल्द मैच को शुरू करें, काफी कम समय बचे हमारे पास, ज्यादा चर्चा ना करें। अब टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए हैं माइकल, सामना करेंगे बल्लेबाज अरुण राज, अभी भी 18 रनों की दरकार। जी हाँ 27 रनों का लक्ष्य है, पहला ओवर में 9 रन आ चुके हैं। रनों की आवश्यकता है यहाँ पर,
18 गेंदों में। जी हाँ, गेंदबाज तैयार, पटकी हुई गेंद, गेंद को खेल लिया लेग साइड में, एक के लिए दौड़ पड़े हैं, क्या दूसरा रन लेंगे? जी हाँ, यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग, यहाँ पर रनआउट का मौका बन सकता है, और इसी के साथ एम्पायर का इशारा आउट का। जी हाँ, आउट, रनआउट के रूप में यहाँ पर अपना विकेट खोया, यहाँ पर दूसरा झटका लगा है टीम डेंजर बॉय। सागर भाई द्वारा क्या बढ़िया कैच, यहाँ पर बढ़िया कॉमेंट्री के साथ साथ बढ़िया यहाँ पर कैच भी लिया, यहाँ पर जिस प्रकार बल्लेबाज आए थे उसी प्रकार उनको चलता किया। अच्छा आउट जाना, गुड कैच सागर भाई। अब आए अगले बल्लेबाज रोशन, गेंदबाजी में बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद देखना है बल्लेबाजी में किस प्रकार का कारनामा करते हैं अपनी टीम के लिए। उनके साथ इस समय क्रीज पर मौजूद है टीम के कैप्टन शिवा भाई। रोशन और शिवा की जोड़ी समय क्रीज पर मौजूद, बात की जाए तो टीम का स्कोर इस समय है 10 रन हो चुके हैं, 3 विकेट खो चुकी है टीम डेंजर बॉयज। हवे में खेला हुआ शॉट, देखना है क्या होगा, यहां पर 1 रन प्राप्त कर लिया है, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं, क्या तीसरा रन लेंगे? जी नहीं, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते इस समय दोनों ही खिलाड़ी, क्योंकि पता है यहाँ पर इस समय एक बढ़िया पार्टनरशिप की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। बात की जाए तो 27 रनों का लक्ष्य है और 12 रन हो चुके हैं, अभी भी 15 रनों की दरकार, और दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर है, गेंद यहाँ पर माइकल के हाथों में है। और काफी बढ़िया सुंदर गेंद यहाँ पर, डॉट बॉल, कोई रन नहीं यहाँ पर, मालाड चषक 2024 एक भव्य दिव्य प्रतियोगिता यहाँ पर आप देख सकते हैं।
एक नहीं दो नहीं बल्कि यहाँ पर तीन तीन ट्रॉफियां रखी गई हैं। यहाँ पर विजेता उपविजेता और जो भी टीम यहाँ पर तीसरे स्थान पर आती है उसके साथ साथ बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रत्येक मैच में रखा गया यहाँ पर। हवे में खेला हुआ शॉट, देखना है क्या होगा और क्या बढ़िया यहां पर स्टॉप किया यहां पर गेंद को, मगर अंपायर के इशारे का इंतजार। अंपायर के इशारे का इंतजार, क्या बढ़िया यहां पर फील्डिंग की है बाउंड्री लाइन पर, मगर जो भी डिसीजन होगा यहां पर एम्पायर द्वारा बताया जाएगा आपको, जो भी एक निष्पक्ष डिसीजन होगा आपको बताया जाएगा। माल्या चषक 2024 आप देख रहे हैं गोविंदनगर की इस क्रीड़ा नगरी के अंदर, महाराष्ट्र राज्य बहुउद्देशीय माथाड़ी व ट्रांसपोर्ट जनरल कामगार संगठना की ओर से आयोजित यह भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा 33,333 रुपये वाली यह इनामी राशि है, भव्य दिव्य प्रतियोगिता और जो भी टीम यहां पर रनर अप के रूप में आती है उसे 22,222 रुपये दिए जाएंगे तथा जो भी टीम यहां पर तीसरे क्रमांक पर आती है उसे 15,555 रुपये दिए जाएंगे। जी हां, एम्पायर का डिसीजन यहां पर आ चुका है, एम्पायर ने यहां पर 2 रन करार दिया है। जी हां, जो भी एम्पायर डिसीजन होगा फेयर डिसीजन होगा आपको बताया जाएगा, निष्पक्ष डिसीजन है क्या। यहाँ पर कैमरे से भी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जो भी आपको डिसीजन होगा बताया जाएगा, मगर एम्पायर ने सब डिसमिसल यहाँ पर 2 रन करार दिया है। मगर यहाँ पर हम भी यूट्यूब पर यहाँ पर स्क्रीन पर चेक कर रहे हैं, श्री दिनेश भाई माने इनके हाथों से यह रखा गया है भव्य दिव्य टूर्नामेंट। जनरल सेक्रेटरी हैं बांद्रा से दहिसर विभाग के, मालार चषक 2024। महाराष्ट्र राज्य बहुउद्देशीय माथाड़ी व ट्रांसपोर्ट जनरल कामगार संगठना की ओर से आयोजित यह भव्य दिव्य प्रतियोगिता। यह बात की जाए तो टीम का स्कोर इस समय है 1 ओवर 4 गेंद 12 रन, अभी भी डिसीजन पेंडिंग है, यह डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, जो भी आपको डिसीजन होगा बताया जाएगा।
हेलो जी हाँ, बात की जाए तो यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन आ चुका है, दो रन का डिसीजन दिया गया है इस गेंद पर, और इसी के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है यहाँ पर 14 रन हो चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक ओवर पांच गेंद के बाद टीम का स्कोर इस समय 4 ने यहां पर दो रनों का डिसीजन दे दिया है। कृपया करके मैच शुरू किया जाए, एम्पायर से कोई भी जो आपको डिसीजन दिया है बता दिया गया है आपको। एम्पायर जल्द से मैच को शुरू किया जाए। हेलो, मैच को शुरू किया, स्क्रीन पर भी यहाँ पर दो रन दिख रहा है, चाहे तो टीम के कैप्टन आके यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। फील्डर ने यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर एक बढ़िया फील्डिंग की और अपनी टीम के लिए यहाँ पर बेहतरीन 4 रन बचाए। अगर किसी टीम के कैप्टन को देखना है तो स्क्रीन पर आके देख ले। हेलो जी, अगर बात की जाए तो एम्पायर ने अपना डिसीजन यहाँ पर दे दिया है, दो रन करा दिया है। काफ़ी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर द्वारा। टीम का स्कोर इस समय है 1 ओवर 5 गेंद
14 रन 3 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 13 रन गेंदों में 13 रनों की दरकार यहां पर। रोशन और शिवा की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद। अगर बात की जाए तो गेंदबाजी छोर पर एक बार फिर तैयार माइकल। हवा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, एक रन पूरा कर लिया है, क्या दूसरा रन लेंगे? जी नहीं, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते अपनी टीम के लिए। अभी भी 12 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पहुंच चुका है यहां पर 15 रनों पर। बात की जाए तो टीम के कैप्टन शिवा काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, उनका साथ देने के लिए रोशन। एक यहां पर मैच जीतने के लिए एक बढ़िया पार्टनरशिप की आवश्यकता है यहां पर। 12 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता, 27 रनों का लक्ष्य। बारह बॉल 12 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए डेंजर बॉयज की टीम को। जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए एम्पायर। जी हाँ, बात की जाए तो यहाँ पर मालड़ की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए हैं आशीष। सामना करेंगे बल्लेबाज रोशन। बारह गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए यहाँ पर। अगर बात की जाए तो आशीष से काफी अपेक्षा है उनकी टीम को कि एक बढ़िया वापसी करेंगे अपनी टीम के लिए। 27 रनों का लक्ष्य है, 15 रन हो चुके हैं। शिवा रोशन की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद। और इस प्रकार तीसरा ओवर प्रगति पर, पहली गेंद और हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद को भेजा है सीमा रेसा 5-6 रनों के लिए। काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर रोशन की। आसानी से प्राप्त कर लिया और मिस फील्डिंग, मगर यहां पर मात्र एक रन से ही संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते अपनी टीम के लिए, क्योंकि पता है इस छक्के ने मैच का पूरी तरह से रुख पलट दिया और उनकी टीम यहां पर पूरी तरह मैच में आ चुकी है। यहां पर डेंजर बॉयज की टीम एक डेंजर बल्लेबाजी करते हुए इस तीसरे ओवर में। अब स्ट्राइक पर टीम के कैप्टन, टीम के कर्ता धर्ता शिवा भाई, जिन्होंने गेंदबाजी में बढ़िया प्रदर्शन किया और अब बल्लेबाजी में भी एक बढ़िया प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए एक बढ़िया पारी खेलते हुए। और क्या बढ़िया गेंद यहाँ पर, डॉट बॉल, कोई रन नहीं यहाँ पर। अगर बात की जाए तो लगातार इस डॉट गेंद से समीकरण बदलते हुए टीम का स्कोर 2 ओवर 3 गेंद 22 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदों में अभी भी 5 रनों की आवश्यकता। अगर बात की जाए तो यहाँ पर केतन भाई है, उनका मालार चषक में हार्दिक स्वागत। जी हाँ, बात की है तो अभी का जो मुकाबला खेला रहा है जा रहा है मालार 97 और डेंजर बॉयज के बीच में। और बात की जाए तो डेंजर बॉयज की टीम काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए जीत की रथ पर अग्रसर है, मगर एक बढ़िया ओवर उनकी टीम को वापसी दिला सकती है यहाँ पर मालार 97 की टीम को।
और ये लेग साइड में खेला हुआ शॉट, आसानी से एक रन पूरा कर लिया है यहाँ पर टीम के कैप्टन, एक कप्तानी भरी खाली पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए बात की जाए तो। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 23 रनों पर, अभी भी 4 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर स्ट्राइक पर है रोशन, जिन्होंने एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का लगाया था अपनी टीम के लिए। और पटकी हुई गेंद, एम्पायर का इशारा, दिशाहीन गेंद, वाइड गेंद, इस वाइड गेंद से टीम का स्कोर बढ़ते हुए 24 रनों पर, 2 ओवर 5 गेंद 24 रन हो चुके हैं इस समय। बात की जाए तो टीम का स्कोर इस समय डेंजर बॉयज, टीम के कैप्टन शिवा और रोशन की जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद। तीसरा ओवर लेकर आए थे अपनी टीम के लिए आशीष, और लेग साइड में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, यहाँ पर मिस फील्डिंग, एक रन पूरा कर लिया है। जी हाँ, दूसरे के लिए भी दौड़ पड़े हैं, आसानी से यहाँ पर चलते फिरते दौड़ते दौड़ते यहाँ पर एक रन आसानी से प्राप्त कर लिया है, और इसी के साथ 2 रन दौड़ चुके हैं। एक रन लिया था ना, दूसरा भागा था ना, 2 रन यहाँ पर दौड़ कर पूरे कर चुके हैं। इसी के साथ 26 रन हो चुके हैं मात्र इस मैच को जीतने के लिए, 1 रनों की दरकार। और स्ट्राइक है टीम के कैप्टन, जिन्होंने कप्तानी भरी पारी खेली अपनी टीम के लिए, गेंदबाजी के बाद बाद बल्लेबाजी में भी जलवा बिखरते हुए अपनी टीम के लिए शिवा भाई। बात की जाए तो लगातार विकेट के बाद विकेट गिरते जा रहे थे, उसके बाद आए टीम के कैप्टन शिवा, जिन्होंने पारी को संभाला और उनका साथ दिया रोशन ने, जिन्होंने एक बेहतरीन अपनी टीम के लिए छक्का लगाया। और बात की जाए तो शिवा ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया अपनी टीम के लिए, अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं, मात्र 1 रन चाहिए। अगर बात की जाए तो मैच नंबर 1 के बाद मैच नंबर 2 का यह मुकाबला खेला जा रहा है, डेंजर और 97 के बीच में, माला 97 की टीम के बीच में, 1 ओवर में मात्र 1 रन चाहिए, मात्र औपचारिकता ही रह गई। मगर क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, किसी भी समय पासा पलट सकता है, कभी गेंदबाज तो किसी कभी बल्लेबाज की ओर। और टीम के कैप्टन देखना है क्या विनिंग शॉट लगाएंगे अपनी टीम के लिए, 6 गेंदों में 1 रन चाहिए। और ये बड़ी चतुराई भरी से बल्लेबाजी से यहाँ पर कट करके 1 रन प्राप्त कर लिया और अपनी टीम को विजयी के रथ पर यहाँ पर सवार कर दिया है।